जो बाबा साहब ने हम बाबा साहब कहते हैं, सच्चाई में बाबा साहब नहीं है, वो हमारे भगवान है। अगर उस भगवान का नाम लेते उसका नारा लगाते भी हमें जपते हैं और तो हम उसके न्यायी नहीं है। और वो किसी कौम का बाबा साहब नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बाबा साहब है। क्यों? कि आज जो ये देश चल रहा है कि बाबा साहब की देन से चल रहा है, और नहीं तो हम वो कि मेरे देर आज भी यहाँ वही है। और आज ये भाई ने एक मंच बनाया है, हमारे नेताजी ने, भाई ने नहीं, नेता का वो अब जो भाई ना, भाई तो भाई था जब था, आज हमारे नेताजी ने ये रखी है। और कोई स्त्रियों पे आज हमने लगाया है यार, ये छत के नीचे इसको देखो इतना बड़ा हो, और तुम खुद बढ़ो ताकि साथ से भी ऊपर निकल के जाए। तब तो हमारा यहाँ आना साकार है, और ना तो खाली हमारी पारी और नारे लगाने का हमारा कोई फायदा नहीं। इसको इतना बढ़ाओ जो दुनिया देखती रह जाए, तब तो हमारा संगठित। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे जब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि तुम्हारे हाथ में मैंने ऐसी चीज दे दी है, धन के साथ भूखे बैठे हैं सब, कोई चिका हुआ नहीं है यहाँ, किसी के पास धन नहीं है, सब गरीब है। और उसने कहा था नहीं तुमने अमीर बनना है तो चाबी लो अपने हाथ में। चाबी कौन सी चाबी? जिन्हें गेर कैपोट हम देते हैं, जूते हम खाते हैं, मौज कोई और बनाता है। इस मौज को अपने हाथ में लो और संगठित हो जाओ, यही मेरा कहना यही है। भाई बाकी मैं नेता का हूँ, मैंने बोलना आता नहीं है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि भाई भाई ने नेता बना, और जो इस भाइयों के नेतृत्व ने यह नेता बनाए हैं वो भाई खुद भी नेता बनो। कहते हैं राजनीति मत करो, उन राजनीति हमारे को पैदा था कि राजनीति मत करो। क्यों? कि राजनीति में बहुत रस है, दुख पहले है रस बाद में है। अगर उस रस ही रस में रह गए, जैसे देख लो कांग्रेस रस लेकर मेरे अपने आज घर आ बैठी है, बढ़ता है। जय भीम जय भारत।